अस्सलाम वालेकुम, पिजन टॉक्स में खुश आमदेद। आज आपको फैसलाबाद की ओल्ड ब्रीड का शौक कराएंगे और दोस्तों को बताएंगे भी कि ये कौन कौन से परिंदे हैं और इनका शौक भी कराएंगे। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ फैसलाबाद की शख्सियत के घर के कबूतर हैं, फ्रांसी है कबूतर रिफशाह साहब वाले। और इसमें माशाल्लाह बहुत ही नयाब और बड़े पुराने उनके घर के कबूतर हैं ये माशाल्लाह। मज़ा आएगा दोस्तों का आज शौक करने का। थैंक यू जी मेरे दोस्तों, ये चार नार हैं, आप देख रहे हैं इनके साइज, देख रहे हैं इनके हेड देखें। ये माशाल्लाह बहुत ही कमाल के कबूतर है माशाल्लाह। ये देख रहे होंगे दोस्त, बहुत ही हसीन और जमील। मैं थोड़ा सा इधर से करता हूँ ताकि ये इधर से निकले, जरा खुली जगह पे जाएं, जरा नजर आए इधर खुले डुले। ये देखिए इनकी खड़ा साइज, बहुत अच्छे साइज है इनके। ये देखें माशाल्लाह, असल पकड़ के बेचारों की है हिज्जत गुल हो गई है माशाल्लाह। मैं मादियां दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली समय भी हुए हैं जरा नए केज में आके। सर ये फैसलाबाद की ओल्ड तरीन ब्रीड है और ये बहुत नॉमिनेट कबूतर है माशाल्लाह। अब ये देखने को भी नज़र नहीं आते, जिनके पास हैं वो इनको बड़े संभाल के रखते हैं और बहुत ही नयाब ब्रीड हो गई। अब ये इस हालत में, इतनी अच्छी हालत में माशाल्लाह। ये फीमेल्स हैं, ये देखें माशाल्लाह, साइज देखें, खड़े होने का स्टाइल देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह। मज़ा आएगा दोस्तों को आज ये ओल्ड ब्रीड फैसलाबाद की ओल्ड ब्रीड को शौक करके। देखिए माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा दोस्तों इनके बाद इनको अकेले अकेले पीस का भी आपको शौक कराऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला, पकड़ के दोस्तों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए माशाल्लाह, अभी इनका आपको शौक भी कराता हूँ दोस्तों को मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। फ्रांसीय भी लोग समझते हैं इनको, रिफशाह साहब वाले भी समझते हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही हसीन और जमील कबूतर है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए आज बहुत ओल्ड ब्रीड फैसलाबाद की जो बहुत ओल्ड ब्रीड्स हैं आज मैं उनका शौक करा रहा हूँ आज आपको। ये एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कुछ कबूतर छोड़ दिए हैं बेसिकली। ये बहुत मशहूर मरूफ कबूतर हैं रिफशाह साहब वाले। देखें इनकी आईज क्लोजअप, बहुत ही नयाब कबूतर हैं ये। फिर दो चार जोड़े मैं लेके आया हूँ, मैं कहा मैं दोस्तों को शौक कराऊँ इनका, बहुत ही शानदार कबूतर हैं ये। फिक्के जौनसरे पे निकलते हैं ठीक है जी, इनके जब जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं, एक्चुअली बहुत सख्त हैं ये, मतलब इनके पंजे देखें, बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है, तंग बहुत कर रहा है। हड्डी देखें कैसी ज़बरदस्त है, गफ देखें कितनी है इसके ऊपर, सर हेड देखें इनके,
देखें जी, एक और परिंदा शाह परवाज़ है बेसिकली, इनको लोग शाह परवाज़ के नाम से भी जानते हैं। देखें ये कौन, ये बहुत पुराने कबूतर उनके पास अंदर कमरे में पड़े हुए थे कबूतर ये। फिर मैं कुछ चार जोड़े लेके आया हूँ, सब दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि ये पुराने असल में कबूतर कैसे थे। इनके हेड देखें कितने बड़े बड़े हेड हैं, साइज़ देखें सर कितना बड़ा साइज़ है इस कबूतर का। देखें बाजू जितना तो साइज़ है इस कबूतर का, बाजू से बड़ा है। तो ये कबूतर असल कबूतर ये हैं, बाकी सारे इनसे बने हुए कबूतर हैं ये सारे। देखिए इनके आईज़ क्लोज़अप, देखिए जालियाँ, देखिए आँखों में, देखिए माशाल्लाह बहुत नए आप कबूतर हैं सर। आज मैंने कहा कि दोस्तों को देखे, इतने प्योर होने के बावजूद भी दुम्मे कितनी सिमटी हुई हैं, और पंजे देखें इसके माशाल्लाह। मैं सारे आज आपको शौक कराऊंगा इंशाल्लाह। देखें एक और परिंदा ही आप देखेंगे, ऐसे कर फील होगा यार वो एक ही चीज़ बार बार दिखा रहे हैं। यकीन करें ये कबूतर देख के तो दिल ना धक धक ही कर रहा है कि यार बड़े ही आला कबूतर है। हेड देखें सर इनके कितने बड़े बड़े हैं, साइज़ बहुत बड़े हैं सर इनके। जो पुराने असल कबूतर थे उनके साइज़ बहुत अच्छे थे। ये देखें पार इनके माशाल्लाह, सर क्या बात है, पर का चलाओ ही बहुत अच्छा है, बहुत शानदार पर कुंदे के मालिक हैं सर ये। जिनसे आए हैं वो कह रहे हैं कि सर इनको आप जिसमें मर्जी डाल दें ये बच्चा नहीं ज़ाया करते। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चा नहीं ज़ाया करते, सबसे क्वालिटी वाली बात ये है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आंखें रोक ही नहीं रहे वो, देखिए देखिए चलाक कबूतर बहुत। अभी कुछ ऐसे दोस्त भी मुझे वो बता रहे थे जिनके बच्चे इनके गए हैं, उनके पर मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो बात ज्यादा हो जाती है। देखें कुंदा कितना शानदार कुंदा है, बगलें देखें, हालांकि इतने पुराने और ये कम से कम इस इन कबूतरों की एज जो है वो 15 साल से ऊपर है ये वो मुझे बता रहे हैं, और बुज़ुर्ग थे वो। ये पहले लाइट होते हैं जौनसरे से, फिर ये आस्ता आस्ता कलर बनाते जाते हैं जी। ये रिफत शाह साहब के तांबड़े कबूतर हैं, यकीन करें मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, ऐसे हैं जैसे पार ही पा रहे हैं। देखे ये देखे, मतलब इतना परेल कबूतर है ये, बहुत बुरा महसूस कर रहा है। दुम देखें इसकी कुछ मिटने की जरूरत नहीं है, पर तोड़ी जा रहा है। देखें बहुत ही शानदार कबूतर है, बहुत तंग कर रहा है पर सारे इसने खराब कर लिए हैं। देखिए सकुंदा माशाल्लाह सारे पर इसने ना अपनी, और यकीन करें मुलायम इतना है कि हाथ से निकलता जा रहा है। ये देखें आप समझ रहे हो, ये देखें लाल पर आ रहे हैं, इनको लाल तांबड़े कहते थे वो, तांबड़े कबूतर ही उनके, इनसे गहरे भी निकलते हैं, बहुत लाल भी निकलते हैं, इनमें बड़ी चीज़ें निकलती हैं माशाल्लाह। देखें बच्चों की भी लगा, अभी नहीं थोड़े बड़े होते ना। दुम देखें ये इसके पंजे हैं जी। अब आपको फीमेल दिखा रहा हूँ इनकी, और यकीन करें कि आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें इनके बड्डियाँ, इनके वजूद, इनके ये बहुत ही कमाल के कबूतर हैं सर। मादी लगती है, मादी है सर, आँख आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा आँख देखे ना। देखें माशाल्लाह कमाल कमाल है, कमाल है यार, यकीन करें कि मज़ा आ गया है मादी देख के। देखें मादी के पर डब्बे में आने की वजह से पार्वचारी के मुड़ गए हैं, पर यकीन करें कि कमाल है। देखिए
دم دیکھیں, یہ پھکے جونسرے سے ہوتے ہیں, بالکل پھکے سے. اور یہ یہ بھی اس کی ایج دیکھیں, ناخن دیکھیں, یہ اس کی ایج بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. یقین کریں دوستو, بڑی دیر بعد مجھے یہ پرندے اس حالت میں, اچھی حالت میں دیکھے ہوئے, کو 15 سال سے اوپر ہو گئے ماشاءاللہ, مزہ آ گیا. ہاں جی, یہ دیکھیں ایک اور فیمیل. سر یقین کریں باڈی اتنی اچھی ہے اس کی, وہ جو ناخن دیکھیں سر, میں تو ان کے ناخن دیکھ کے حیران ہوں, جیسے ان کے کالے سیاہ ناخن ہیں, اور لمبے کتنے ہیں, دیکھیں لمبے کتنے ہیں. یقین کریں کہ مزہ آیا تھا ان کے, یہ دیکھیں کمال چیزیں ہیں سر یہ. اور اس بندے نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ دل نکال کے لے گئے ہیں, کہتا اب مجھے یقین کریں, کل رات کو کال آئی کہ میرا دل نہیں لگ رہا جی, تو میں کہا جی مہربانی آپ کی, کہتے آپ خود رکھ لیجیے گا, میں کہا جی میرے پاس ہی ہیں, کیونکہ میں خود بھی شکین ہوں. دیکھا جی, کس بندے نے بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا ان کو, سر پر دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کس کس جگہ چلے ہیں ان کے پر. دیکھیں دیکھیں پر دوستو, یقین کریں کہ مزہ آ گیا. دیکھیں یہ ان کے یہ لوئیاں دیکھیں, پیورٹی کی نشانیاں ہیں. یہ دیکھیں لوئیاں, کلر دیکھیں کتنے اچھے ہیں, ہڈیاں سر یہ تو جوڑ کمال جوڑ ہیں ان کے, اوپر جوڑ لگے ہوئے سب کے, یہ چار مادیاں اور چار نر ہیں, اور بہت نایاب ہیں ماشاء اللہ. لیں جی یہ تیسری مادہ ہے, دیکھیں ہڈی اس کی ماشاء اللہ, بہت اچھی باڈی ہیں ان کی, کمال باڈی ہیں سر. دیکھیں پر کیا بات ہے, یقین کریں کہ مزہ آ گیا مدی کا. یہ تو کبوتر بنانے والے کبوتر ہیں. یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ, آپ ان کے رنگ دیکھیں, ان کی کمال کے رنگ ہیں, ان کے سیمٹ کی آنکھیں دیکھیں, ان کی باڈی ہیں, دمے دیکھیں کتنی بند ہے, دیکھیں نا کلدمبیاں نہیں ہیں یہ, یقین کریں ایسے پھسلتی جا رہی ہیں, ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں. دیکھیں نر کے ہیڈ جو ہیں وہ گول تھے, ان کے ہیڈ اور تھوڑے سے مادی جیسے لگتے ہیں ماشاء اللہ. چوتھی مادہ ہے جی بجن, یہ چوتھی مادہ ہے, دیکھیں آپ کو ایک طرح کی لگیں گی ساری, کمال باڈی ہے. دیکھیں ان کے پنجے دمے, ان کا آئیز کلوز اپ, دیکھیں پر کیا بات ہے سر,